अगर इंसान के बिहेवियर सही नहीं है और उनमें कोई वो ठीक करना चाहते हैं, यानी उनकी जो रवैया है वो अपने फैमिली के साथ सही नहीं है, अपने ऑफिस में लोगों के साथ सही नहीं है, बिजनेस में यानी करते हैं वो सही नहीं है, वो चाकु चौबंद नहीं है, अपने कामों के लिए तैयार नहीं है, और वो जो है उनको कुछ चाहते हैं, कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकता है उससे, कुछ आदत छोड़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी ऐसे कोई भी एडिक्टिव पीपल, मिसाल के तौर पर अगर कोई उनको स्मोकिंग कम है या कोई भी ऐसा कोई आदत छोड़ना चाहता है कोई शख्स, तो छोड़ सकता है उसके थ्रू। इस तरह के इसके थ्रू इंसान समुदाय लोग HMF के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक बेहतरीन किस्म के शख्सियत के हामिल अपने जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी फैमिली वालों के साथ बड़े अच्छे उनके रवैया हो सकता है और उनकी शख्सियत में बहुत बेहतरी ला सकता है, जो मुतासर हो सकता है उससे अपने माहौल पॉजिटिवली। पॉजिटिव पावर जब इंसान में आ जाता है तो उनके इबादत भी बेहतर हो जाते हैं। अगर कोई मराकबा करता है, मेडिटेशन करता है, तो समुदाय उसमें हेल्प करते हैं। यकीन माने समुदाय करने के बाद, समुदाय यानी लेने के बाद, समुदाय को हासिल करने के बाद, समुदाय हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद, इंसान को जब ये अल्लाह ताला ये चीज अता करते हैं तो उनके इबादात में बड़ी सुख आते हैं, सुकून आते हैं, और वो बहुत एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बनते हैं, जो कि टाइम पे वो सो सकते हैं, टाइम पे उठ सकते हैं, टाइम पे काम कर सकते हैं, रूटीन से वो अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। और बल्कि पहले जब लोग उनके लिए नेगेटिव थे, अब एक पॉजिटिव एनर्जी जब आपके वजूद में आते हैं, आपके इर्द गिर्द आते हैं, तो आदर्श जो है आपसे बहुत मुतासर हो जाते हैं, दूसरे लोग आपसे बहुत मुतासर हो जाते हैं, और अल्लाह ताला बहुत से तरह के इंसान को देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कामयाब है, वो अपने आप को कामयाब समझता है कि मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक उन लोगों का खासा है जो कुछ जानना नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम बहुत कुछ जानते हैं या बहुत कामयाब है, लेकिन कामयाबी उसे नहीं कहते हैं। रफ्ता रफ्ता इंसान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं या बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो समुदाय हीलिंग एनर्जी उसी जगह पे आपके अल्लाह ताला की तरफ से वो आपके हेल्प करते हैं, एक जरिया है आपके पास, जिस तरह के एक डॉक्टर आपके साथ होते हैं या एक टैबलेट आपके साथ होते हैं, उस वक्त पे आपको प्रॉब्लम हो गया आपने खा ली, या आपके गले में खुश्क हो गया आपने पानी पी लिए, ऐसे इंसान को यानी जरूरियात होती है किसी चीज की, तो अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है हम एनिमल की तरह, हैवानात की तरह नहीं है, हम इंसान जो है किसी रिश्ते से इस कायनात के साथ मुंसलिक है, हिलन के हवाले से, मैग्नेटिक फोर्स के हवाले से इस कायनात में हम मुंसलिक है, किसी तरीके से मुंसलिक है इस कायनात के साथ, हम डायरेक्ट है, हमारा राबिता है वो है, ऐसे हिलिंग पावर है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसी के थ्रू हम कनेक्ट है कायनात के साथ, और हम पूरी कायनात के साथ कनेक्ट है, पूरी कायनात के साथ हम कनेक्ट है, हमारा रब्ता है डायरेक्टली। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो उस वजह से जो यार हम मेटाफिजिकल दुनिया में जाते हैं, मेडिटेशन के कैफियत में जाते हैं, तो इंसान को फिर वो एक तजर्बा हो जाते हैं कि वाकई हम इस कायनात के साथ कनेक्ट और हमारे बहुत बड़े रोल है इस कायनात में, इस जमीन पे वाकई इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये अपने आप को बदल सकते हैं, अपने इर्द-गिर्द को बदल सकते हैं, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने सेहत को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपने रवैये में चेंज ला सकते हैं, अपने गुफ्तगू में चेंज ला सकते हैं, और अपने तौर पे जिंदगी बेहतरीन तौर तरीके से बसर कर सकते हैं।
अच्छा उसने सर जो मैंने इब्तदा में कहा कि आज जो बात करेंगे मेडिकेशन के हवाले से हम बात करेंगे कलर थेरेपी के हवाले से, तो दो सवाल यहाँ पर हैं मेरे। एक तो ये कि मेडिटेशन या जिसे हम मुराकबा कहते हैं ये है क्या सर जी, नंबर एक। नंबर दो, कलर थेरेपी का क्या रोल है मेडिटेशन के अंदर, या कलर थेरेपी मेडिटेशन को किस तरह से हेल्प आउट करती है? बहुत अच्छा, ये लास्ट पे जो आपने कहा कि कलर थेरेपी किस तरह के हेल्प करते हैं मेडिटेशन में, मेडिटेशन मुराकबा एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सी चीजें शामिल होती है, बहुत सी चीजें मेथड शामिल होती है, फिर हम जाकर हमारे माइंड का वो सेटिंग्स आ जाते हैं, वो इंस्टॉलेशन होती है, हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग होती है जो कि हम कनेक्ट हो जाते हैं अल्लाह ताला की ताकतों के साथ, तो उनके जो नूर है, उनकी जो ताकत है इस कायनात में, उस जो लतीफ पावर है, जो लतीफ एनर्जी है, उसके साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं। उस सूरत में होते हैं जब हम कुछ मेथड्स को, कुछ तरीके को अपनाते हैं। वैसा तो एक लिहाज से कहते हैं कि हर मोमेंट हमारी मेडिटेशन है, हर चीज हमारे मेडिटेशन है, लेकिन कुछ खास तरीके हैं जो कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म के तरीके सामने आए हैं। दिन के हवाले से हमारे नमाज एक बेहतरीन मराकबा है, और हमारे तिलावत करते हुए एक बेहतरीन मराकबा है, और इसके हवाले से मेटाफिजिक्स साइंस के हवाले से योगा मराकबा है, राजा योगा जिसे कहते हैं, और फिर दीन के हवाले से हमारे सूफिया किराम के तरीके हैं, उनके बेहतरीन तरीके हैं जो कि हम मेडिटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स को अपनाते हुए, मुख्तलिफ तरीकों को अपनाते हुए हम डीपली मेडिटेशन में जा सकते हैं, डीपली मराकबे में जा सकते हैं। मराकबे के स्टेजेस होती है, इस स्टेजेस वो तरीके होते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो कलर थेरेपी से हम हेल्प ले सकते हैं, सच ये हेल्प कर सकता है कलर थेरेपी। मिसाल के तौर पर मराकबे की कैफियत में बैठे हुए तस्वीर करो किसी एक कलर के, पिंक कलर की तस्वीर करें, व्हाइट कलर की तस्वीर करें, आप रेड कलर की तस्वीर करें, ग्रीन कलर की तस्वीर करें, मुख्तलिफ कैफियत है आपको, मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो भी आप तस्वीर करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ मकसद होनी चाहिए आपके उसमें। मेडिटेशन की कैफियत में बैठे हुए अगर आप जिल्द को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पिंक कलर के तस्वीर करें, मेडिटेशन की कैफियत में बैठे गहरी सांस के साथ तस्वीर करें पिंक कलर आपके वजूद में जा रहे हैं, और पिंक कलर आपकी दुनिया को पिंक और खूबसूरत बना रहे हैं, यही तस्वीर करते हुए तो पिंक कलर, और आपने एक दिन को अगर पिंक करें अपने रूम को पिंक करें, आप या पिंक कलर की जो है ना वो पिंक कलर की चादर को पहने यहाँ तक ये वजूद को डाम दे, तो इस तरह की ये कलर थेरेपी हेल्प करते हैं आपके। अगर आपको कोई और मखसूस अंदाज है या कैंसर जैसे खुदा ना करता क्रोनिक डिजीज है तो रेड कलर की तस्वीर करना चाहिए। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा पीछे रहना चाहता हूँ, जैसे मराकबे में भी गए और आपने कहा कि पिंक कलर को हम तस्वीर करें, अच्छा क्या मराकबे में आदमी खो जाता है, वो कहीं और चले जाता है, और एक गिर दुनिया से क्या हो रहा है उसका उसका अंदाजा नहीं होता है, बस वो एक नई दुनिया में चला जाता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मराकबे का तो आपने बहुत सी चीजों में बताया कि मराकबा क्या होते हैं, अभी तो सिर्फ मेथड्स हम बता रहे थे, लोग फिर आते हैं कि आपने सवाल के इस तरफ आते हैं कि मराकबा है क्या। सही, मेरा मकसद ये था कि अगर आज कोई नए मालूम सही पहली बार सही है, बिल्कुल सही, उनको भी जरा मराकबा एक ऐसे कैफियत है, मराकबा एक ऐसा तरीका है, एक कैफियत होती है और एक तरीका होता है, तरीके मुख्तलिफ मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ अदियान में मुख्तलिफ है, हो सकते हैं, और फिर सूफिया जो है वो मुख्तलिफ सूफिया है,
जो कि दीन है इस्लाम के, इस्लाम के जो हमारे दीन में है वो मुख्तलिफ मेथड्स इन्होंने अपनाई है। जो बुद्धिज्म है वो मुख्तलिफ मेथड्स उनके है। जो मसद क्रिश्चियनिटी में है वो मुख्तलिफ है, हिंदुज्म में है मुख्तलिफ है, योगा में है मुख्तलिफ है, और ज़ाइदा मुख्तलिफ तरीके हैं। जो हमारे तरीके हैं वो बेस्ट और बेहतरीन तरीके हैं, जो सूफियाए किराम के हैं, जो हमारे जो नमाज है जो पांच वक्त हम वो पांच वक्त का आपको बताओ कि ये पांच वक्त जो शुभ है जो है ना जो सुबह जुहर का असर का है मगरिब का और शाह का है, ये एक मुख्तलिफ मैंने इस पर रिसर्च किया कि ये इस टाइमों पे क्यों है। अच्छा तो इस पर मैंने रिसर्च किया इस टाइम पे क्यों है ये मैंने ऐसे एक चीज दरियाफ्त की है। इस पर हम बात करते थे आपने दरियाफ्त किया जो इसलिए तरीके क्यों मुखर क्यों हुआ है किसी जो ब्रेक हमें सुन लेता है। बिल्कुल इंशाल्लाह ब्रेक के बाद थोड़ा मतलब सही बात सकते हैं। नाज़रीन जहाँ पर हमें ब्रेक लेना है हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM एंड रिपीट एट नाइट एट 1 AM। Learn HMF, Human Magnetic Force, the world most successive formula. Learn world most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.